जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ, चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। आप कहोगे कि व्यूज के लिए ये बात कर रहे हो, क्या ऑनलाइन पेपर नहीं होगा? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक को चालू करने से पहले जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन होने वाला है, वीडियो पसंद आएगी आपको, देखते रहिएगा पूरी वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी यूपी में केवल 3 सेंटर ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, क्या ये सही है? पहले ऐसा होता था, अगर मेरठ ए आर ओ है तो मेरठ में होगा एग्ज़ाम, आगरा ए आर ओ तो आगरा में होगा एग्ज़ाम, और अगर कोई सा भी ARO है, अमेठी ARO है अमेठी में होगा, कोई सा भी ARO अपना ARO में एग्ज़ाम लेंगे, जितने भी बच्चे बैठेंगे वो फिजिकल से छटके जाते थे। फिजिकल से छटके जाने के बाद 2200, किसी में 2300, किसी में 2500 कुछ बच्चे बैठते थे, परंतु जब पेपर सिक्योर था, आर्मी पेपर कराती थी, जब पूरा सिक्योर एग्ज़ाम था कि पेपर लीक नहीं होता था। ऐसा ग्राउंड मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आपने एग्ज़ाम अगर दिया हो तो ऐसा ग्राउंड होता था, उसमें बैठा के बच्चों को सबके सामने एग्ज़ाम होता था, परंतु अब क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम लीक नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा? जब SSC GD के SSC के इतने एग्ज़ाम सेंटर बनने के बाद, इतनी लैब्स खरीदे जाने के बाद एग्ज़ाम लीक यानी पेपर लीक हो जाता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि सिक्योर रहेगा? पेपर लीक होगा, ज़रूर होगा। इतने सारे ARO हैं यूपी में और उनके 3 सेंटर बनाए हैं, केवल 3 सेंटर, उत्तराखंड में केवल 1 सेंटर, क्या गारंटी है इस चीज़ की? मैं नहीं, है सारी जनता पूछ रही है, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर सही है। ऑनलाइन पेपर बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एग्ज़ाम पहले दिला लीजिएगा, ऑफलाइन दिला लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें? ऑनलाइन एग्ज़ाम 17.5 साल का बच्चा है, वो 10वीं करके आया है, वो 10th करके आया है, वो कर रहा है बात उसकी, क्या बोलते हैं उसे, कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसे कंप्यूटर का माउस पकड़ना नहीं आता। तो दोस्तों मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अग्निवीर को आपको पेटेंट करना है तो कोई और तरीका अपनाएं, एग्ज़ाम के सेंटर बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बढ़ाने आपके लिए सुख और अच्छे रहेंगे, आपके हित में रहेगा, आर्मी के हित में रहेगा, अग्निवीर के हित में रहेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी के समर्थन में हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर एक दिन में पेपर होता है तो आप देखेगा कितनी भीड़ होती है सड़क, उसमें बसों में, सड़कों पे, रोड पे कितना जाम रहता है, कि आगरा में इतना जाम होगा, लखनऊ में कितना जाम होगा, प्रयागराज में कितना जाम होगा। अगर आप इस चीज़ के समर्थन में नहीं है तो कमेंट करके बताएं, अगर समर्थन में है तो भी कमेंट्स करें, क्योंकि व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, केवल आपके हित की बात करते हैं हम। और रही बात अग्निवीर हटने की, आने वाला समय हटने ना हटने की बात बताएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो इंस्टाग्राम ID फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।